नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज हम सुनेंगे शीतला सप्तमी की व्रत कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के 7 पुत्र थे। उनका विवाह हो चुका था परंतु किसी को भी संतान नहीं थी। एक दिन एक वृद्धा ने ब्राह्मणी को बहुओं से शीतला सप्तमी का व्रत करने का उपदेश दिया। ब्राह्मणी ने श्रद्धापूर्वक सब बहुओं से ये व्रत कराया। इससे वर्ष भर के भीतर ही सब बहुओं ने पुत्र को प्रसव किया। एक बार उसने व्रत विधान की उपेक्षा करके स्वयं गर्म जल से स्नान किया और ताजा भोजन कर लिया तथा अपनी बहुओं को भी ऐसा करने का आदेश दिया। उस दिन रात को ब्राह्मणी ने भयंकर स्वप्न देखा। वह चौंक पड़ी। उसने उठकर अपने पति को जगाया पर वह मर चुके थे। इससे वह चिल्लाने लगी। उठकर जो पुत्रों और बहुओं को देखा तो उन्हें भी मरा पाया। अब तो वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसका रोना सुन सब पड़ोसी जाग उठे और उसके पास आए। उन लोगों ने कहा कि भगवती के कोप से ही यह अनिष्ट हुआ है। इतना सुनते ही वह पागल हो गई और वन की ओर चली गई। मार्ग में उसे एक वृद्धा मिली। वह अग्नि की ज्वाला से तड़प रही थी। पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसके कारण ही वह दुखी है। वह वृद्धा स्वयं शीतला देवी थी। ज्वाला से पीड़ित भगवती शीतला देवी ने ब्राह्मणी से एक मिट्टी के पात्र में दही लाने के लिए कहा। ब्राह्मणी झटपट दही ले आई। उसने भगवती के शरीर पर उसका लेप किया जिससे उनका शरीर शीतल हो गया। इसके पश्चात उन्होंने ब्राह्मणी से मृतकों के साथ माथे पर दही लगाने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने घर जाकर तुरंत सब मृतकों के माथे पर दही लगाया जिससे सब अंगड़ाई लेकर उठ खड़े हुए। हे शीतला माता, जैसे आपने उस ब्राह्मणी की लाज रखी वैसे हम सभी की लाज रखना। इस कथा को श्रवण करने